हेलो गाइस, शिक्षा समाचार के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम 10 अप्रैल 2023 मॉर्निंग न्यूज के साथ, जिसमें रोजगार समाचार, सरकारी भर्ती अपडेट, करंट अफेयर्स के प्रश्न और समाचार पत्रिका के जो मुख्य कटिंग है उनके बारे में चर्चा करेंगे। 2 वर्षीय BEd व 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA BSc BEd में 15 तक आवेदन, जो GGTU गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा PTT आयोजित करवा रहा है, उसका आयोजन 21 मई को होगा। आवेदन 15 अप्रैल तक लिए जाएंगे। 12वीं के बाद लाइब्रेरी साइंस में बना सकते हैं करियर, पद के साथ साथ मिलेगा मान। यूनेस्को और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से स्थापित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने 27 अक्टूबर 1951 को किया था। इस पुस्तकालय में ग्रंथों की संख्या लगभग 4 लाख है। पुस्तकालय हमारे समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। IIMC में प्रवेश के लिए 19 तक कर सकते हैं अप्लाई। 2 भाषाओं में होगा प्रश्न पत्र। CUET PG 2023 के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। UPSC ने ESE 2023 मेन एग्जाम का शेड्यूल जारी किया। CUET UG 2023 में महिला छात्रों की संख्या में 50% का इजाफा। CUET UG का कल फॉरम रीओपन हुआ है, 9 तारीख से 11 तारीख तक आप दोबारा फॉरम भर सकते हैं। जो पिछले डेट में पीछे रह गए हैं उनको अब मौका है फॉरम भरने का। NCF 2023 अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा का मिलेगा विकल्प। ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने वाले डिफेंस स्टार्टअप के लिए अब है बेहतर स्कोप। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री या टेक्नोलॉजी समझ लाएगी कामयाबी। महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में करे निवेश। गुजरात हाईकोर्ट में वाटर सर्वर सहित 1499 पद, लास्ट डेट 24 अप्रैल 2023। सिविल जज के 193 पदों के लिए आवेदन का अवसर, लास्ट डेट 14 अप्रैल 2023। रिसर्च असिस्टेंट के 25 पदों पर होगी जल्दी बहाली, लास्ट डेट 28 अप्रैल 2023। NLC इंडिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के 56 पदों पर भर्तियां, लास्ट डेट 22 अप्रैल। टेक्निकल असिस्टेंट सहित 62 खाली पदों पर मौका, लास्ट डेट 24 अप्रैल। ग्रेजुएट एंड टेक्निकल अप्रेंटिस के 21 पदों के लिए 24 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑफिसर सहित 99 रिक्त पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रिंसिपल तथा डिप्टी डायरेक्टर के 181 पदों की वैकेंसी, BC सुपरवाइजर के 13 पदों की रिक्तियां। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के 244 पदों पर होगी नियुक्ति, अंतिम तिथि 21 अप्रैल। जूनियर रिसर्च फेलो के 25 पदों पर आवेदन। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के 10 पद रिक्त, लास्ट डेट 29 अप्रैल। ट्रेनिंग इंजीनियर के 72 पद, अंतिम तिथि 18 अप्रैल। यंग प्रोफेशनल के 75 पद, लास्ट डेट 8 मई। एम्स मंगलागिरी में सीनियर रेजिडेंट के 20 पदों पर एंट्री, लास्ट डेट 14 अप्रैल। हेवी बस ड्राइवर सहित 177 पदों की रिक्तियां। सहायक लोको पायलट 238 पद, लास्ट डेट 6 मई। बेंगलोर मेट्रो रेल 237 पद, लास्ट डेट 24 अप्रैल। UPSC 147 पद, लास्ट डेट 27 अप्रैल। LDC यानी जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट के 200 पद, लास्ट डेट 20 अप्रैल। स्टूडेंट को तकनीकी ज्ञान जरूरी, इसलिए नए शिक्षा सत्र से विभाग 592 स्कूलों को जोड़ेगा कंप्यूटर लैब से। वर्तमान में 592 सरकारी सीनियर स्कूलों में से 329 में कंप्यूटर लैब एक्टिव, 124 के लिए कार्यादेश जारी। स्कूल में विद्यार्थियों को कंप्यूटर सिखाएंगे टीचर। एक कंप्यूटर लैब में 10 से 14 कंप्यूटर होंगे। बजट 3 लाख रुपए। अग्निवीर भर्ती ऑनलाइन परीक्षा 17 से 30 हजार युवा शामिल होंगे। कॉलेज लेक्चरर के 1952 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव RPSC को भेजा, 500 पद सोसाइटी के जरिए भरेंगे। केंद्र ने राज्य के उच्च शिक्षा कोटे के 750 करोड़ को करोड़ अटका रखे। 17 सरकारी स्कूलों में नए सत्र से कंप्यूटर विज्ञान पढ़ सकेंगे। अब 500 शिक्षा अधिकारी 1500 स्कूलों को गोद लेंगे। मॉडल स्कूलों में छठी क्लास में रिक्त सीटों पर आवेदन, 5वीं बोर्ड के बाद 16 मार्च तक आवेदन मांगे थे, लेकिन अभी 5वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होने से छठी क्लास में रिक्त सीटों के मुताबिक पूरे आवेदन नहीं आए हैं, इसलिए ये आवेदन 21 अप्रैल तक जो 5वीं की
बोर्ड परीक्षा चलेगी, उसके बाद लिए जाएंगे। कल जारी होगी रिक्त पदों की सूची, पोस्टिंग गांव में, जिले के 182 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 12 को। ऐसे ही भर्ती 2021 सट्टे चरण के इंटरव्यू आज से, जो पहले 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक हुए थे, बीच में 3 दिन अवकाश था, आज 10-13 अप्रैल वापस इंटरव्यू होंगे। अजमेर के गेगल में एकमात्र सेंटर 2000 अभ्यर्थी बैठेंगे। जेई मेंस के अजमेर के गेगल अजमेर में एक ही सेंटर दिया है जहां 2000 अभ्यर्थी बैठेंगे। जॉब कॉर्नर NPCIL एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 325 पद 28 अप्रैल लास्ट, SBI चैनल मैनेजर व अन्य 1031 पद 30 अप्रैल लास्ट, SAIL में मैनेजर 10 पद 24 अप्रैल, SCERT असिस्टेंट प्रोफेसर 99 पद, SSCERT असिस्टेंट सेक्शन CGL का जो 75 पद है 3 मई अंतिम है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 238 पद 6 मई 2023 अंतिम है। इसी तरह नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा शिक्षा समाचार नाम से टेलीग्राम चैनल है जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर जुड़े। इस पूरे वीडियो को PDF के रूप में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का विजिट करें।